एमवे और फ्लैग बॉय, आपने इनका नाम एक साथ बहुत बार सुना होगा। ये देसी हिप हॉप में वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर का डुओ था। लेकिन 14th मई को जब कृष्णा ने एमवे के लिए लिल बंटी डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किया, तो उसके प्रोड्यूसर सेक्शन में फ्लैग बॉय का नाम देख के बहुत सारे लोग सरप्राइज हुए। कुछ लोग ऐसे जरूर थे जिनको पता था कि पिछले एक साल से ये दोनों एक साथ काम करना बंद कर चुके हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस को कोई आइडिया नहीं था कि इन दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हुआ है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एमवे और फ्लैग बॉय, जो कि पिछले इतने सालों से एक साथ काम कर रहे थे, आज अलग हो गए? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर अभी से कुछ साल पीछे चले, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, June 30, 2018 में एमवे का कौन हूं मैं जो ट्रैक आया था, वो पहली बार था जब फ्लैग बॉय ने एमवे के लिए प्रोड्यूस किया था। उसके बाद उसी साल July 27th को एमवे का वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक आता है करक बन, उसको भी फ्लैग बॉय ने ही प्रोड्यूस किया था। उसी साल अगेन सितंबर में आउट ऑफ संपर्क, जो कि अगेन एक बहुत एपिक सॉन्ग है, उसको भी फ्लैग बॉय ने ही प्रोड्यूस किया था। उसके बाद वो गाना जिससे एमवे पूरे DHH में पॉपुलर हुए थे और उनके करियर को बहुत बड़ा ब्लो मिला था, रफ्तार का डिस समझ में आया क्या, जो कि October 13, 2018 में रिलीज हुआ था, उसको भी फ्लैग बॉय ने ही प्रोड्यूस किया था। फिर अगेन December 2018 में एमवे का जंप का ट्रैक, ये वही ट्रैक है जिसके फ्लो को कृष्णा ने अपने डिस लिल बंटी में मिमिक किया था, उसको भी फ्लैग बॉय ने ही प्रोड्यूस किया था, एंड वो भी एक बैंगर है। एमवे का 2019 में जो न्यू ब्रांड्स EP आया था, उसके सारे गाने ही फ्लैग बॉय ने ही प्रोड्यूस किए थे, एंड इसके अलावा भी उन्होंने अनगिनत ट्रैक्स जैसे कि ग्राइंड, मालिक, लड़का अलग सा, अस्सलाम वालेकुम, डोंट बी द वन, यहाँ तक कि डिवाइन का जो एमवे ने डिस निकाला था गली का कुत्ता, उसको भी फ्लैग बॉय ने ही प्रोड्यूस किया था। सीधा टेक ओवर, जिसके बाद एमवे वर्सेस कृष्णा शुरू हुआ था, उसके भी प्रोड्यूसर फ्लैग बॉय ही थे। तो अगर आप देखो तो एमवे के करियर के जो सम ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स थे, उसके प्रोड्यूसर फ्लैग बॉय रह चुके हैं। सो नो डाउट कि इनका डुओ बहुत ही लीथल था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 20 जून 2021 में माई टाइम जो एमवे का ट्रैक आया था, उसके बाद कभी भी हमें एमवे और फ्लैग बॉय साथ में नहीं दिखे। तो जुलाई 2021 में एमवे ने बहुत सारे लोगों को अनफॉलो कर दिया था, और उनमें से ही मोहन शेट्टी और फ्लैग बॉय भी थे। तो एमवे के अनफॉलो करने के बाद फ्लैग बॉय भी एमवे को अनफॉलो कर देते हैं, और एमवे को अनफॉलो करने के बाद फ्लैग बॉय एक स्टोरी भी लगाते हैं जहां पे लिखा था, रिस्पेक्ट द पर्सन बट डोंट एंटरटेन देयर ईगो। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ वो कभी बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि ना ही कभी एमवे ने इसके बारे में बात की और ना ही कभी फ्लैग बॉय ने। लेकिन नवंबर 2021 में जब एक बार फ्लैग बॉय इंस्टाग्राम लाइव पे आए हुए थे, तो उनसे लोगों ने पूछा कि आखिरकार उनके और एमवे के बीच में क्या इश्यूज हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि वो एमवे के आर्ट को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड उस टाइम कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो बहुत पर्सनल है, और वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तुम लोग वही 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 सवाल पूछ रहे हो भाई। मैं बोल रहा हूँ, बंटाई के साथ कुछ नहीं भाई, वो आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट है, बस दैट्स इट ब्रो। हाँ ब्रो, बहुत कुछ नहीं है ऐसा सीन, प्यार है बस। हाँ नया कुछ बात करते ब्रो, कुछ सीन नहीं है, सब सही है, रिस्पेक्ट है आर्टिस्ट आर्टिस्ट का यार, तो है यार, वो हो जाता है, वो सब चीज़ें पर्सनल है, इस पर डिस्कस नहीं कर सकते अपन वो सारी चीज़ें। तो ये क्लिप देख के पता चल रहा है कि उनके बीच में कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं हो गई थी कि दोनों के बीच में हेट्रेड वगैरह डेवलप हो जाए, और अभी के टाइम पे उन दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। जैसा कि उन्होंने अपने एक स्टोरी में लिखा था कि ईगो वाली बात, तो मे बी उस टाइम पे कुछ ओपिनियंस में मिसमैच हो गया होगा, या थोड़ा किसी बात पे आर्गुमेंट वगैरह हो गया होगा, और उसके बाद से उन दोनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। इसके अलावा रेहान पाटनी, जो कि एमवे के बहुत सारे वीडियोस के डायरेक्टर हैं, उनसे जब किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा था स्टोरी में कि इन दोनों के बीच में क्या मैटर हुआ था, तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया था, जहाँ पे उन्होंने इसको एक बैड एक्स गर्लफ्रेंड, या फिर आप कह सकते हो एक पुराना रिलेशनशिप जिसका ब्रेकअप हो चुका है, उससे कंपेयर किया और मूव ऑन करने की बात कही। तो इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट मैटर क्या हुआ था ये कभी आउट नहीं हुआ, और जैसा कि बहुत बार होता है कि लोग स्क्रीनशॉट्स लीक करने लगते हैं, बहुत सारे स्टोरीज लगाने लगते हैं, एक्सपोज करने लगते हैं, तो वैसा कुछ फ्लैग बॉय ने नहीं किया, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि किसी भी टाइप की स्निचिंग इन्वॉल्व नहीं थी। और बात रही लिल बंटी ट्रैक के प्रोड्यूसर होने की, तो फ्लैग बॉय ने एक अपना स्टोरी डाला था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो किसी के साइड नहीं है, बट उन्हें अपना घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो उनको जहाँ पे काम मिल रहा है वो वहाँ पे कर रहे हैं। तो यही थी वीडियो एमवे और फ्लैग बॉय के बारे में। तो क्या हम इस चीज़ को इक्का का
हनी सिंह के माफिया मुंडेर ग्रुप से अलग होने से कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे आज तक किसी को पता नहीं चला कि क्या रीजन था अलग होने का, बट कभी भी इक्का ने कुछ हनी सिंह के बारे में गलत या हनी सिंह ने इक्का के बारे में गलत नहीं बोला। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और तुम में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम्हें ये जानना है कि आजकल क्यों एमवे के वीडियोस पे कम व्यूज आ रहे हैं, तो वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक करो, और कृष्णा के लिल बंटी ट्रैक का लिरिकल ब्रेकडाउन देखने के लिए वीडियो के राइट साइड पे क्लिक करो।